हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कार ऑटो शो। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक ई विजन को 2018 में जिनेवा मोटर शो के अंदर इस गाड़ी को शोकेस किया था, और जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और जिसके अंदर आपको टेस्ला और रेंज रोवर वाले डुअल हैंडल्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जो अपकमिंग XUV 700 है उसके अंदर भी यही सेम डोर्स देखने को मिलेंगे, डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। और जो इस गाड़ी का इंटीरियर का डिज़ाइन और एक्सटीरियर का डिज़ाइन था बहुत ही ज़्यादा हाईटेक और बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। तो पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक लगा कि अगर टाटा इस गाड़ी को लॉन्च करती है तो इसके अंदर आपको 1000 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी एक सिंगल चार्ज में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। टाटा अपनी इलेक्ट्रिक कार को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली गाड़ी बनने वाली है। टाटा की यह कार सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली कार बनेगी अगर ये 1000 किलोमीटर चलती है तो। और इसका नाम ई विजन नहीं होने वाला, इसका नाम ऑलरेडी कुछ ना कुछ रखा जाएगा। अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो इसका नाम कुछ और बदल दिया जाएगा, जिस तरीके से हैरियर का नाम H2X और HBX नाम रखा जा रहा है माइक्रो SUV का, उसी तरीके से इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। और जो इस गाड़ी के एक्सटीरियर का डिज़ाइन और इंटीरियर का डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक और बहुत ही ज़्यादा बेहतर था, जो कि पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो 2018 के जिनेवा मोटर शो में इस गाड़ी का नाम रखा गया था ई विजन, लेकिन जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी तो इस गाड़ी का नाम ऑलरेडी बदल दिया जाएगा, जिस तरीके से हैरियर का नाम H2X और अपकमिंग माइक्रो SUV का नाम H2X रखा जा रहा है या HBX रखा जा रहा है, उसी तरीके से इस गाड़ी का नाम भी चेंज कर दिया जाएगा। और आज की डेट में टाटा कंपनी इस गाड़ी के ऊपर बहुत ही हाईटेक तरीके से काम कर रही है और बहुत ही जल्दी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और यह एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान कार रहने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही अच्छी बात है, और जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि एक सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर तक चलेगी। और अगर वहीं मैं टाटा की बाकी इलेक्ट्रिक कार की बात करूं तो उसके अंदर नेक्सॉन की ईवी आती है और दूसरी है टिगोर की ईवी। वहीं अगर मैं नेक्सॉन के सिंगल चार्ज की बात करूं तो उसके अंदर आपको 312 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है एक सिंगल चार्ज में। और अगर मैं ई विजन इस गाड़ी की बात करूं, इस गाड़ी को इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज के साथ डिजाइन किया गया था। और अगर मैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं और इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है और इसका जो साइड प्रोफाइल है बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है। और जो कंपनी ने 2018 में जिनेवा मोटर शो के अंदर गाड़ी को शो किया था, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और इसके फ्रंट में आपको LED DRL की लेंस देखने को मिल जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक लगती है। और इसके सामने आपको LED हेडलाइट्स का सेटअप भी देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इसके फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर कंपनी आपको डुअल टोन्स के बम्पर दे सकती है। और अगर मैं वहीं इसके फ्रंट की बात करूं तो इसके फ्रंट में आपको डुअल टोन के फ्रंट के बम्पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर वहीं मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो इसके अंदर आपको डुअल टोन कलर देखने को मिल सकता है। और अगर अभी बात कर लें इसके इंटीरियर की तो इसके अंदर आपको डुअल टोन कलर का इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। और इसके फ्रंट में आपको काफ़ी ज़्यादा वुडन का काम किया गया, जो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक लगता है फ्रंट में, बैक में, और इसके डोर हैंडल्स पर और इसके स्टीयरिंग व्हील्स पर, जिसकी वजह से इसके इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देने वाली है। और वहीं इसके अंदर इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंपनी ने इसके अंदर एक बड़ा टच स्क्रीन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो टच स्क्रीन है वो नीचे से निकलता है, लेकिन ये प्रोडक्शन मॉडल में ये ऑलरेडी ऊपर से निकलेगा। ये तो खैर एक ई विजन की वजह से इसका जो टच स्क्रीन है वो नीचे दिया हुआ है। और इसके अंदर इसके अलावा आपको फुल्ली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा और ये बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक ई विजन कार है। और इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड पर आप एक छोटी सी स्क्रीन देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आई थिंक ये नहीं पता कि ये प्रोडक्शन मॉडल में इस तरह की टच स्क्रीन दी गई है या फिर नहीं दी जाएगी, अभी कुछ पता नहीं है। और अगर वहीं मैं सेकंड रो की बात करूँ तो सेकंड रो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिख रही है, क्योंकि इसकी सेकंड रो आप देख सकते हैं कि इसके सेकंड रो में आपको एक आर्म रेस्ट देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक लग रहा है। और इसका जो इंटीरियर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग की। टाटा इसको इस साल लॉन्च नहीं करने वाले, क्योंकि इस साल तो टाटा अपनी HBX माइक्रो SUV को ही लॉन्च करेगी और भी जो गाड़ियां हैं उन सबको लॉन्च करने वाली है, लेकिन टाटा इस गाड़ी को 2022 के एंड तक शोकेस कर सकती है। और अगर वहीं मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो इसका जो प्राइस है वो कम से कम 20 लाख से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होने वाली है, और इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। तो इस वजह से इस गाड़ी की जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, 20 से 25 लाख हो सकती है अराउंड। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो चलते हैं।